ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में काफ़ी विलंब हो गया, वृष राशि वालों आप इंतज़ार कर रहे होंगे। पिछले महीने आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरा वीडियो देखा, अप्रिशिएट किया, रेजोनेट हुआ आप लोगों से, तो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। थोड़ा देर हुई क्योंकि मेरे घर में शादी थी तो विलंब से बना पाई। अभी भी मैं अपने गाँव पर हूँ, बड़ी मुश्किलों से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि घर में काफ़ी सारे गेस्ट थे, साउंड था, कोई जगह नहीं मिल पा रही थी बनाने की, फिर भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अंत तक बने रहिए। जैसा कि हमेशा देखते आए हैं, प्यार या धोखा वीडियो का टाइटल है और उसके साथ ही लव रीडिंग के साथ साथ यहाँ पर आपके कैरियर की बातें होंगी, सरकारी जॉब के बारे में है, सेहत के बारे में है, एंजल मैसेज के बारे में है और लास्ट में यस और नो का भी एक कार्ड यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ। तो अंत तक बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो रेजोनेट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए सबसे पहले देखती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है इस पूरे मार्च महीने में। आज की डेट है 5 से लेके आप 5 अप्रैल तक की एनर्जी यहाँ पर एक महीने की देख सकते हैं। तो चलिए मैं कार्ड को फिर से एक बार मिक्स कर लेती हूँ आपके सामने और यहाँ पर निकालूंगी आपकी एनर्जी के लिए कार्ड। स्प्रिट गाइड एंजल्स में गाइडेंस दीजिए, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखते हुए मैं रीडिंग करना चाहती हूँ। मुझे पॉजिटिव एनर्जी से सुरक्षित रखिए और यहाँ पर बताइए कि हमारे जो वृष राशि वाले हैं उनकी इस पूरे अगले एक महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है। वृष राशि वालों की एक महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है, वृष राशि वालों की एक महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है, वृष राशि वालों की इस एक महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है, वृष राशि वालों की इस एक महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है। देखिए सारे कार्ड के साथ यहाँ 5 कार्ड के बाद एक छठा कार्ड खुद ही गिर गया है, तो ये भी मैं रखूँगी यहाँ पर क्योंकि ये खुद बाहर आया है तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है इसका मतलब। तो देखिए यहाँ पर ये 5 कार्ड निकाले, उसके साथ एक छठा कार्ड आ गया, तो मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर ये टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो जो हमारे वृष राशि वाले हैं, आप शायद किसी से शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी में न्याय मिले, आपको आपका पार्टनर मिल जाए, आप उसे अपने दिल की रानी समझते हैं, दिल का राजा समझते हैं। कैरियर के मामले में तो आप एक अच्छा ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा समय है जो ये पूरा महीना है, कुछ प्रमोशन हो सकता है, मनी मैटर में कुछ फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ आप जिसे प्यार करते हैं उसे अपने दिल का राजा या दिल की रानी समझते हैं और उन्हें कोई बड़ा ऑफ़र देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसा मैंने कहा था कि आप उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ निगेटिविटी रही है और जो आपके पार्टनर हैं, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हैं और वो किसी थर्ड पार्टी को पकड़ना चाहते हैं, मतलब उनका साथ देना चाहते हैं। यानी कि शायद आपके साथ कोई पहले से पार्टनर है, उसके बाद आप किसी पार्टनर की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर है कि आप किसी रिलेशन में किसी चीज़ का पीछा कर रहे हैं लेकिन उधर से आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है और फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। आप तो सब चीज़ों को छोड़कर उनका साथ देने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, बड़ा ऑफर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम हुई है जहाँ पर ये टावर मूवमेंट आ गया है। देखिए है ना, और ये टावर मूवमेंट दिखा रहा है कि कितनी लड़ाई झगड़े हों, शायद आप लोग सेपरेशन में आ गए हों, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत ना कर रहे हों, लेकिन नींव मजबूत है आपके रिश्ते की। तो अभी ऐसा कुछ टोटली दिल से अलग नहीं हो जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी तब मैं और बता सकती हूँ कि सिचुएशन आप दोनों की क्या है, फिर आउटकम क्या है, लेकिन अभी तो यही दिखाई दिया मुझे। और अगर आप किसी काम काज में कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं और उसके अलावा आप किसी थर्ड पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, कोई लीगल मैटर है, तो मैंने कहा ना कि आप न्याय चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपने कोर्ट में या कहीं पर भी कुछ ये मैटर को डाला हुआ हो, तो हो सकता है कि अगर इस महीने में कोई आपको डेट मिली है, कुछ मामला है, तो वहाँ पर आपको न्याय मिल सकता है और आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले। आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, वो काम नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी क्राइसिस दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी। तो चलिए मैं कार्ड को फिर से मिक्स कर रही हूँ आपके सामने और निकालूंगी यहाँ पर 5 कार्ड कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, प्यार करते हैं या धोखा है यहाँ पर। एक स्पिरिट गाइड है, बस मुझे बताइए जो वृष राशि वाले हैं उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी, जो वृष राशि वाले हैं उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी। नाराज हैं ये तो, जो वृष राशि वाले हैं उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी, जो वृष राशि वाले हैं उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी, जो वृष राशि वाले हैं उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए आप बेकार में परेशान होके बैठे हैं, यहाँ तो गलती आपसे भी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखती हूँ। अगर वृष राशि वालों आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, यहाँ प्यार या धोखा मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, लेकिन धोखा तो आपके पार्टनर को मिला है। ये मुझे बहुत बुरी तरह से हर्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये पर्सन लेटा हुआ है, उसके पीठ में इतनी तलवारें लगी हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे देखिए पार्टनर दो तरह के, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को पकड़ा है तो आपके साथ कोई पार्टनर अगर पहले से थे या थी तो उनकी एनर्जी भी तो यहाँ आने वाली है, दोनों तरह की एनर्जी यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे लगता है कि थोड़ा गुस्से में हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्से में हैं और चिड़चिड़ापन है इनके अंदर, ईगो है, नाराज होकर आपसे बैठे हैं क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ, या तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीज़न आपने लिया है। क्योंकि अगर हम पार्टनर की एनर्जी निकालते, दो तरह के पार्टनर हैं यहाँ पर। एक पार्टनर है जहाँ से यहाँ लवर्स कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, आप किसी के साथ तो यहाँ पर न्याय चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर न्याय चाहते हैं, ठीक है। जो आपके साथ पहले से हैं वो न्याय चाहते हैं, ठीक है। और कोई आपकी लाइफ का दूसरा जो लव पार्टनर है वहाँ पर भरपूर प्यार दिखाई दे रहा है और डिवाइन ने आपके लिए इनको भेजा है। डिवाइन देखिए यहाँ पर है और डिवाइन का आशीर्वाद आप दोनों को मिल रहा है, ठीक है। वो भी आपको दिल अपने दिल की रानी या राजा ही समझते हैं, और कहीं ना कहीं आप अगर अपने काम कैरियर में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो वो आपके चारों तरफ, वो ऐसा चाहते थे कि वो आपको खुश देखें, आपको खुशियां दें, आपके चारों तरफ सब कुछ दें, लेकिन कुछ तो ऐसी गड़बड़ी हो गई है, कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से कुछ तो आपने ऐसा किया है जिससे वो गुस्से में है, ठीक है। तो अगर मैं साफ साफ देखूँ तो प्यार या धोखा का मैटर अगर आता है तो इस बार जो है धोखा आपकी तरफ से हुआ है, प्यार इनकी तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये एनर्जी बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है। चलिए अभी थोड़ा सा यहाँ कुछ चीज़ें कंफ्यूजन में हैं, तो मैं एक आउटकम निकाल लेती हूँ आपके लिए। देखिए ये है आप दोनों की आउटकम एनर्जी जो निकल कर बहुत पॉजिटिव आई है। आप दोनों कितना नाराज़ हों, किसी को हर्ट किया हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, दोनों न्याय चाहती हूँ, तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप, ठीक है, नहीं सॉरी नाइट ऑफ कप है यहाँ पर। तो नाइट ऑफ कप दिखाई देता है कि आप अपने प्यार के इमोशन को लेकर धीरे धीरे अपने पार्टनर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ आया है फिर से रीयूनियन, ठीक है। द स्टार्ट कार्ड दिखाता है कि जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में बिगड़ा है वो इस महीने में जाकर थोड़ा ठीक हो सकता है, सिचुएशन ठीक हो सकती है और आपका रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आया द स्टार कार्ड, एक बड़ा सा स्टार्ट है, स्टार है यहाँ पर, छोटे छोटे स्टार हैं, जो ज़मीन बंजर हो चुकी है उसमें पानी भर भर के कोई सींच रहा है, छोटी छोटी कोपले निकल रही हैं, फ्लावर्स निकल रहे हैं, पॉजिटिविटी पैदा हो रही है। तो वैसे ही आपके रिश्ते में अगर कोई कमी आई है, दिक्कत आई है, तो उस रिश्तों को सुधारने की कोशिश की जाएगी और आपका रीयूनियन हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों में मुझे ये दिक्कत दिखाई दे रही है कि आप दोनों में या तो एज गैप है, या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई है, या दोनों में धर्म जाति की दूरी है, कोई ना कोई तरह की दूरी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जिसको पार करके आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे, आप दोनों में प्यार है लेकिन फिर भी आप दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ देखिए एक सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है, तो फिर से मुझे इस कार्ड में एक एज गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और आपको आपका पार्टनर ऑफर देना चाहता है बहुत अच्छा, पर कोई कारण है जिससे आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आ गया यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड, जो दिखाता है कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी ये दोबारा से आपका रीयूनियन हो रहा है। डिवाइन कह रहे हैं कि बच्चों पेशेंस रखो, मैं आप दोनों को अलग नहीं होने दूंगा, मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं। जो एंजल हैं वो देखिए दोनों कप, यानी दोनों कप को प्रेम और इमोशन मानते हैं, उनको मिक्स कर रही हैं, यानी आप दोनों का यूनियन करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। नीचे पानी भरा हुआ है, एंजल्स उसमें खड़े हैं, ये इमोशन है, प्यार है, तो आपके प्यार की जो ये दूरियां हैं उसको मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बस आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है। तो आउटकम बहुत अच्छा आ गया है, क्योंकि पहले की एनर्जी थोड़ी कंफ्यूजिंग थी आपके पार्टनर की, क्योंकि वहाँ पर दो तरह के पार्टनर थे। एक पार्टनर था जिसके साथ आप न्याय चाहते थे, वो भी आपके साथ न्याय चाहते थे, गड़बड़ थी थोड़ी सी, लेकिन एक पार्टनर थे जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ के निकलना चाहते हैं तो वहाँ से निकलेंगे, और अगर आपके किसी भी पार्टनर का प्यार सच में है तो वहाँ से रियूनियन आपकी हो जाएगी। तो चलिए, आप लोगों के इस मामले में मैंने देखा कि लग रहा है कुछ लोगों का लीगल मैटर का मामला है, तो जो लोग लीगल मैटर में फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ कार्ड निकाल देंगे कि आपका इस महीने में पूरे क्या एनर्जी दिखाई दे रही है, कैसी एनर्जी रहेगी, कोई न्याय मिलेगा किस महीने में, इस महीने में क्या होगा वृष राशि वालों के लिए। देखिए, आपको न्याय मिलता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आया है बॉटम में ये चीटिंग का कार्ड। कुछ ना कुछ आपसे छुपाया जा रहा है पार्टनर की तरफ से, और आपकी जासूसी भी की जा रही है, और किसी न किसी कारण से आप मन से बहुत उदास हैं। आपने किसी रिश्ते के मामले में होप खो दिया है, लेकिन डिवाइन कहते हैं कि अभी बहुत चांस है, होप खोने की ज़रूरत नहीं, आप एक न्याय चाहते हैं, ठीक है। तो वो न्याय तो यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहा है आपके पक्ष में, ये नहीं कि टोटली डिसाइड ही हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा जिससे थोड़ा बेहतर हो आपके लिए, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी आपको सावधान रहने की पूरी आवश्यकता है। देखिए, अभी मैंने कार्ड निकाले हैं यहाँ पर कि जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तीन कार्ड निकाल लिए हैं, पहले से इसलिए निकाल लिए हैं कि थोड़ा वीडियो बनाने में यहाँ पर जिस जगह पर डिफ़िकल्टी हो रही है, और वीडियो बनाना भी ज़रूरी था आपके लिए। सबसे पहले आया यहाँ पर डेथ कार्ड। डेथ कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन में, यानी सरकारी जॉब के मैटर में, हो सकता है कि आप पहले से कोई जॉब कर रहे हों और उसको छोड़ें, किसी चीज़ का अंत होते हुए दिखाई दे रहा है, और एक कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। एट ऑफ वॉन्ट्स यही दिखाता है कि जो पर्सन चाहता था बड़े टाइम बाद, आप अपने मंजिल पर पहुंच रहे हैं, ऐसी कोई गुड न्यूज़ खुशखबरी आपको मिल रही है। हैप्पी फैमिली, खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, कोई खुशी आएगी ऐसी इस मामले में जो सरकारी जॉब के लिए पूछा है। गुड न्यूज़ आपको मिलेगी तो खुशियाँ तो घर में आएंगी ही, और आपकी विशेज़ यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो जो लोग इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, महीना बहुत अच्छा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, यहाँ पर तीन कार्ड निकाले हैं मैंने। देखिए, सबसे पहला ही कार्ड द एम्प्रेस यहाँ पर दिखाता है कि आपके चारों तरफ, हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे थे तो बड़ा पोस्ट पद या बड़ा अच्छा बिजनेस अगर आप कोई कर रहे हैं, तो चारों तरफ लग्जरी, पैसा, सुख सुविधा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई तरह की क्राइसिस या कमी इस महीने में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है। स्ट्रेंथ कार्ड दिखाता है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, अगर ये लेडी शेर के मुंह में हाथ डाल देती है और शेर दुम दबाकर खड़ा रहता है, तो सोचिए आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ होगी। आप जो चाहें इस महीने में अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कार्ड आया है नाइट ऑफ कप, जो दिखाता है कि धीरे धीरे आप अगर कुछ काम करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, कोई अलग अपने बिजनेस में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे उस तरफ बढ़िए, मंजिल की तरफ बढ़िए। आपको आपके कलीग्स का या आपके जो साथ काम करने वाले हैं उनका भरपूर सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा आपके बिजनेस और काम में, आपके साथ काम करने वालों का भी पूरा सहयोग मिलेगा, और आशीर्वाद मिल रहा है डिवाइन का भी। तो यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत बिजनेस के मामले में नहीं दिखाई दे रही है, पूरी मजबूती वाला कार्ड यहाँ पर आया हुआ। देखिए, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है उनकी एनर्जी वैसे तो बेहतर दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत दिनों से कोशिश करके लगे हुए थे, तो वहाँ पर तो आप अच्छा बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो तरह की एनर्जी है, ठीक है।
तो कुछ लोग जो है 50% मुझे दिखाई दे रहा है, स्टार कार्ड दिखाता है कि जो कुछ बिगड़ा था कोशिश की जा रही थी, आपने काफ़ी भरपूर मेहनत की है, वहाँ पे बेहतर होकर डिवाइन का आशीर्वाद भी दिखाई दे रहा है, इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, प्रोग्रेस दिखाई दे रही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा पद या ऐसी जगह दी गई है, कोई अच्छा बड़ा काम सौंपा गया है, और मामला क्या होगा कि वहाँ पर दिखाई दे रही है डेविल एनर्जी, कोई ना कोई है जो नहीं चाहता कि काम आपका बेहतरी से अच्छी तरीके से हो, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो क्या होगा कि आप जो काम सामने रखा हुआ है उसको भी छोड़कर मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, शायद आपके मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड होती ही ऐसी है कि अगर आपको आपके मन की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो वहाँ पर दिक्कत है, फिर आप यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे और इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, तो थोड़ा ख्याल रख के चलिए। वृष राशि वालों, जो लोग पहले से किसी जॉब में हैं तो काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स, अंधेरे, दिक्कतें आपने अपनी जॉब में देखी हैं, लेकिन अब आप बहुत बैलेंस बने हुए हैं, घर बाहर जॉब सब संभालने में लगे, अगर जॉब में कोई जिम्मेदारियां दी गई हैं तो आप बेहतरी से संभालते हुए वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ निगेटिविटी है उस जगह पर, कुछ लोग तो हैं जो ये अच्छा नहीं चाहते आपका, लेकिन डिवाइन आपके सपोर्ट में है, और इस जॉब के साथ साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कुछ जॉब बदलने के चक्कर में हैं, इसीलिए आप सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑनलाइन या कैसे कैसे भी आप शायद फॉर्म डाल रहे हैं या कहीं पर इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इस जॉब से आप निकलना चाहते हैं, और दिखाई देता है कि इसी महीने में अगर कुछ बेहतर आपने देखा तो हो सकता है कि आप अपनी इस नौकरी से मूव ऑन करके किसी और तरफ जाना चाहें। और कुछ लोग हैं जो इस जॉब में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम पहले थी, अब सब कुछ बैलेंस है, तो उसको किसी तरह से स्मूथली निकाल कर चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस तरह की एनर्जी। तो देखिए वृष राशि वालों, यहाँ पर मैंने कार्ड निकाला है कि आपकी सेहत और स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, तो पहले ही बॉटम में एनर्जी आई है कि पिछले टाइम में कुछ परसेंट वृष राशि वालों की एनर्जी में निगेटिविटी दिख रही है, प्रॉब्लम दिख रही है, आपकी तबीयत गड़बड़ हुई, ठीक है, लेकिन अब उससे निकलकर आप ठीक हो चुके हैं, फिर भी आपने एक बाउंड्री बना ली, अब थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, तो अब आपके मन में डर है कि कहीं फिर से वैसी ही प्रॉब्लम ना आ जाए, लेकिन वैसे आप बैलेंस बनाए हुए हैं, ठीक है, और आप अपनी चीज़ों के बारे में कि कैसे अपनी केयर की जाए, क्या किया जाए, उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और आप अपनी सारी चीज़ों को, रूटीन को लेकर अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश में है, लेकिन मन में जो डर है उस डर को तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए सेहत के मामले में लेके, क्योंकि जहाँ भी लापरवाही की वहीं पर दिक्कत आ सकती है, तो बहुत बड़ी कोई समस्या इस महीने में बीमारी के बारे में आपके लिए नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ूंगी और इसमें ही देखूंगी कि एंजल मैसेज क्या है और यस और नो का कार्ड लास्ट में निकालूंगी। तो देखिए अंत तक आप लोग बने रहिए, और ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। वृष राशि वाले आप लोग में से बहुत सारे लोग नए नए पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, लव रीडिंग करवाना चाहते हैं, कैरियर के बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं, और इसके अलावा अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, तो आप मेरा पर्सनल नंबर नोट कर सकते हैं 9323135511। तो चलिए आगे का वृष राशि वालों, मैंने आपके लिए निकाला है कि एंजल की क्या गाइडेंस है। तो एंजल कहना चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में कुछ सही एक्शन लेने की ज़रूरत है। द चैरियट दिखाता है कि आपको आपके पार्टनर की लत है, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते, लेकिन एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर एक ब्लैक है, एक वाइट है, दोनों को एनर्जी बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि बैलेंस करने के साथ साथ मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग दो रिलेशन को लेकर एक साथ में चलना चाहते हैं, या दो काम को लेकर बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ पहले से चल रहा है, उसके बाद आप किसी प्रेम में हैं, कुछ भी हैं, तो वहाँ पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी का पीछा कर रहे हैं, वो आपकी सुन नहीं रहा है, और आप उस चीज़ से निकल कर किसी थर्ड पार्टी में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डिवाइन का सपोर्ट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि दुनिया के तौर पर जो बंधन आपके साथ बांध दिया गया है वही डिवाइन ने भी बांधा हो, ठीक है। वो कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें कभी कार्मिक, कभी सोलमेट, कभी ट्विन फ्लेम किसी तरह के कनेक्शन मिलते हैं, लेकिन बहुत बार लोगों को लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये है, वो है, वो है, पर हर जगह पर रिलेशन खराब ही नहीं होता है, ठीक है। अगर
आप कोशिश कर रहे हैं और कहीं पर भाव नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई आपको बेहतर दिखाई दे रहा है तो आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पर आप आत्मिक प्रेम महसूस कर रहे हों। तो चलिए अब यस और नो का कार्ड निकालती हूँ, और जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। अब मैं कार्ड यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ और मैं यस और नो का कार्ड निकालूंगी आपके लिए। इस प्रकार एंजल्स वृष राशि वालों की एक यस और नो में आंसर दीजिए। जो भी उनके मन में सवाल है, आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए और ध्यान कीजिए। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उन्हें अपने ध्यान में लाइए और क्वेश्चन कीजिए। मैं यहाँ पर आंसर आपके लिए निकाल रही हूँ। ओफ, यहाँ तो एकदम बराबर नो का कार्ड आया है, देखिए। ठीक है, तो चलिए, ये तो आपकी रीडिंग खत्म हुई। आपको पता चल ही गया होगा कि प्यार है या धोखा। ठीक है, अगला प्यार और धोखा देखने के लिए ये टाइटल जो है उसके बारे में जानकारी अगले महीने की भी रखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरा चैनल और भी है, अभय ज्ञान टैरोट क्लब, जहाँ पर ट्विन फ्लेम के बारे में, एंजल मैसेजेस के बारे में जानकारियाँ हैं। आप चाहें अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब उसे भी कर सकते हैं। एक एंटरटेनमेंट का चैनल है वेब्स रॉक द वेब, आप उसे भी चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, जाने से पहले मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।